जश्न और उत्साह का शहर, उत्सवों का महानगर कोलकाता, जहां उत्सवों में सर्वोपरि है दुर्गा पूजा। चाय बस्टर पहुंच रहा है हर जगह आपके वास्ते, चाहे फिर वो तंग गलियां हो या हो चौड़े रास्ते। महासप्तमी के दिन माँ काल रात्रि की पूजा का विधान है, गहरे जख्मों को भी भर देती है, चाय कभी कभी दवा का काम कर देती है। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्तर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है कमाल। सबसे पहले तो आपको महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और अब हम आपको पूजा परिक्रमा पार्ट 6 के बाद सीधे पार्ट 7 में लेकर आए हैं, और यहां हम आपको सबसे पहले दर्शन करवाने वाले हैं आज मैडॉक्स स्क्वायर के, कोलकाता का मशहूर मैडॉक्स स्क्वायर, जहां लगता है लोगों का जमावड़ा और जिसे बांग्ला में कहते हैं अड्डा। आइए आज लोगों के साथ और आपके साथ मारते हैं अड्डा। जी टीवी की तरफ से यहाँ पर कई प्रतियोगिताएं और कई लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, दर्शकों में लाइव कंपटीशन हो रहा है और उनमें से कईयों को इनाम दिया जा रहा है। ये इस तरह के शोज भी मैडॉक्स स्क्वायर को कहीं ना कहीं स्पेशल बनाते हैं। भारी संख्या में उपस्थित है लोग यहाँ पर। जी बंगला की तरफ से प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे यहाँ काउंटर्स हैं खाने पीने के, आप देख सकते हैं ये मंडप, और यहाँ जो है चाट पकौड़े आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सारी चीजें खाने पीने के। कल के ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि बारिश हुई है, तो बारिश के कारण हल्का फुल्का पानी जरूर है, लेकिन ये थोड़ी देर में लोग जो है इस पर चल चल के सुखा देंगे। सुशांत तो हमारे साथ है, बारिश में भी डटे हुए हैं, और पंडाल के भीतर से भी डिजाइन हम आपको दिखाएंगे, बाहर से हमने आपको दर्शन करवाए हैं। दर्शन कीजिए, कारीगरी का नायाब नमूना है, देखिए। महासप्तमी का दिन होने के कारण आज लोगों की यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है मैडॉक्स स्क्वायर में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सप्तमी अष्टमी नवमी को ही लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, बट इस बार से महालया से ही सब छुट्टी के मूड में थे, लेकिन आज जो है वो भाई साहब भीड़ आपको देखने मिलेगी ओरिजिनल। एक बार फिर से माँ की क्लोज करके हम आपको मूर्ति दिखा दें, बहुत ही प्यारी प्रतिमा। पारंपरिक परिधानों में और रंगीन कपड़ों में हर तरह के स्टाइल और अपने अलग स्वैग में सभी तस्वीरें लेते हुए, वीडियोस लेते हुए, दोनों तरफ के काउंटर्स हैं। और खास बात यह है यहाँ के मैडॉक्स स्क्वायर की कि आप जो अड्डा, यहाँ की जो संस्कृति है वो
चार इसके अलावा कंपनीज की ब्रांडिंग और उनके कियोस्क बने हुए हैं एड के लिहाज से, और मैडॉक्स स्क्वायर जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो है यहाँ का एम्बियंस, यहाँ की लाइटिंग जो बाहर से ही भीतर तक आपको आकर्षित करती है अपने इसके लिए। कोई VIPs भी आ रहे हैं तो ये है यहाँ का लुक, वेरी लैविश एंड ब्यूटीफुल। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे हम कहीं किसी तारों की नगरी में आ गए हैं। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम मैडॉक्स स्क्वायर से निकलकर जा रहे हैं पिकनिक गार्डन दिलजला रोड। फेस्टिविटी मूड होने के कारण दुर्गा पूजा में काफी कुछ चीजें हम मिस कर देते हैं और ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन आम जन को जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो आती है ट्रैफिक की। यातायात मार्ग बाधित रहता है और यातायात के साधन अनुपलब्ध। ये पिकनिक गार्डन का एक बड़ा ही प्यारा सा पंडाल है और यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है, शिवलिंग। ये शिवलिंग के आगे नंदी स्वामी बैठे हैं। अब आइए चलते हैं अंदर। कला कैसी भी हो उसे उसके पार्क ही मिल ही जाते हैं, और बात रही बंगाल की तो कला के सबसे ज्यादा पार्क ही और सबसे ज्यादा कलाकार बंगाल की धरती ने ही दिए हैं। इसीलिए चाहे वो डेकोरेटर्स, पंडाल मेकर्स या मूर्ति बनाने वाले हो, अपनी कला का नमूना बखूबी पेश करते हैं और लोग उन्हें सराहते भी हैं। इसीलिए तो करोड़ों की संख्या में यहाँ फुटफॉल देखने को मिल सकता है, खासकर कोलकाता में। तिलजला का ही एक और पंडाल है जिसने शायद पहले काफी पुरस्कार जीत रखे हों, बेंत और लकड़ी से निर्मित ये पंडाल। लकड़ियों की डिजाइन्स के साथ साथ काफी कलरफुल पेंटिंग्स भी यहां दर्शाई गई है। इसके साथ विराजमान है यहां पर मां की कलात्मक मूर्ति। कला कार्य करने का तरीका है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक सच्चा कलाकार अपनी कला में खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। बात अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब लेंगे हम आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो 9 डेज चैलेंज के सेकंड लास्ट एपिसोड में जरूर होगी मुलाकात, और लास्ट वाले में भी। सो टिल देन टेक वेरी बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।